अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ हसन महमूद और आप सब लोगों को ड्राई नीडलिंग सीरीज़ की नेक्स्ट एपिसोड में खुश आमदीद। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पिरोनियस लॉन्गस मसल की ड्राई नीडलिंग कैसे परफॉर्म करते हैं। तो इस वीडियो में आप सीख सकेंगे व्हाट इज़ द एनाटॉमी ऑफ पिरोनियस लॉन्गस मसल, हाउ टू एंगेज द पिरोनियस लॉन्गस मसल फॉर द ड्राई नीडलिंग, व्हाट इज़ द पेशेंट पोजिशन, व्हाट इज़ द थेरेपिस्ट पोजिशन एंड व्हाट इज़ द प्रॉपर ड्राई नीडलिंग टेक्निक, यानी हमने किस साइज़ की ड्राई नीडल को यूज़ करना है और किस डायरेक्शन में हमने ड्राई नीडल को इंसर्ट करना है। और इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी प्रिकॉशंस हैं जिनका हमने ख्याल करना है, और फिर एंड में हम देखेंगे कि इसकी पेन कहाँ कहाँ रेफर कर सकती है। अगर आप पिरोनियस लॉन्गस मसल की ड्राई नीडलिंग सीखना चाहते हैं तो ये मेरी वीडियो आखिर तक लाजमी देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ दी पिरोनियस लॉन्गस मसल। पिरोनियस लॉन्गस मसल बेसिकली ओरिजिनेट करता है अपर टू थर्ड पार्ट ऑफ द फिबुला, और ये जाके इंसर्ट करता है मीडियल क्यूनिफॉर्म और बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाटार्सल बोन। पिरोनियस लॉन्गस मसल की ड्राई नीडलिंग के लिए हमने इसको कैसे एंगेज करना है, उसके लिए हम पेशेंट को कहेंगे कि वो अपने फुट की इवर्जन करे, और जैसे ही इवर्जन करेगा हम साथ में उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, और जब हम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे हमें इस साइड पे जो मसल टाइट फील होगा वो बेसिकली पिरोनियस लॉन्गस मसल होगा। आप बाइक तरफ जोड़ लगाएं, ये इस तरह जोड़ लगा रहे हैं तो हमें इस साइड पर ये जो टाइट मसल फील हो रहा है ये बेसिकली पिरोनियस लॉन्गस मसल है। पिरोनियस लॉन्गस मसल की ड्राई नीडलिंग के लिए पेशेंट की जो पोजीशन होगी वो साइड लाइन होगी, और जिस लेग की हमने ड्राई नीडलिंग करनी है उसको हम अन इन्वॉल्व लेग पर पिलो के ज़रिए इस तरह सपोर्ट कर लेंगे। सपोर्ट करके सबसे पहले हम पिरोनियस लॉन्गस मसल को एंगेज कर लेते हैं। तो उसके लिए हम पेशेंट को कहेंगे कि अपने वो पाँव को बाइट की तरफ मूव करें, और जैसे ही बाइट की तरफ मूव कर रहे हैं मैं उनको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मुझे इस साइड पर ये बेली टाइट फील हो रही है, ये बेसिकली पिरोनियस लॉन्गेस्ट मसल है। अब पिरोनियस लॉन्गेस्ट मसल और टिबियलिस इंटीरियर मसल, इन दोनों के दरमियान में एक टिबियल आर्टरी जा रही होती है इस साइड पे, और साथ में डी पिरोनियल नर्व जा रही होती है। इसका हमने ख्याल करना है जब हम ड्राइंडली परफॉर्म करेंगे। पिरोनियस लॉन्गस मसल की ड्राई नीडलिंग के लिए जो हमें ड्राई नीडल रिक्वायर्ड है वो 30 mm की ड्राई नीडल है, और वो हमने फ्लैट पाल्पेशन के साथ परपेंडिकुलर टू दी मसल फाइबर्स और टुवार्ड्स दी फिबुला हमने इसको इंसर्ट करना है। फ्लैट पाल्पेशन के साथ परपेंडिकुलर टू दी मसल फाइबर्स और टुवार्ड्स दी फिबुला हम इसको इंसर्ट कर देंगे। इसे इंसर्ट करके हम इसको लॉक लगा देंगे। अब इसकी प्रिकॉशंस में एक टिबियल आर्टरी और उसके अलावा डी पिरोनियल नर्व, इसका हमने ख्याल करना है, और इसको हम दोबारा अनलॉक करके बाहर निकाल लेंगे। और अगर बात की जाए पिरोनियस लॉन्गस मसल की रेफर्ड पेन की, तो वो रेफर्ड करती है अलॉन्ग दी मसल्स और डॉर्सम ऑफ दी बिग टो। ये थी पिरोनियस लॉन्गस मसल की ड्राइंडलिंग। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको अच्छे तरीके से आइडिया हो गया होगा कि पिरोनियस लॉन्गस मसल की ड्राइंडलिंग कैसे परफॉर्म करते हैं। थैंक यू सो मच।